हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। यस माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन लास्ट प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी, मीन्स जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, उसके बाद की क्या क्या थ्योरी आई, क्या क्या हाइपोथेसिस आई, क्या न्यू जो है थ्योरीज एड हुई। इस क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी स्टेट्स दैट द अर्थ आउटर मैकेनिकल लेयर, द लिथोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज कॉन्टिनेंट साइज्ड प्लेट्स दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यस माय डियर स्टूडेंट, जो टेक्टोनिक प्लेट है वो क्या है, हमारा अर्थ का लिथोस्फियर है, जो बड़ी बड़ी जो है सीड्स में, एक तरह से हम ये कहें प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये लगातार क्या है, ये प्लेट्स मूविंग में है, कॉन्स्टेंटली मूविंग में है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं, जो कि प्लेट की अर्थ का जो लिथोस्फीयर है उसकी डिविजन्स को शो करती है। जो अर्थ का लिथोस्फीयर है इसके अंदर एस्थनोस्फीयर जो होता है, एस्थनोस्फीयर के पार्ट्स हैं, या यूँ कह सकते हो एस्थनोस्फीयर क्या है, अपर मेटल, जो हमारी मेटल लेयर है अर्थ की, क्रस्ट, मेटल क्रस्ट के क्रस्ट, जो अपर जो थिन लेयर जो हमें शो होती है, जो हमें दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर की जो लेयर है, जो मेटल लेयर है, मेटल लेयर के अंदर अपर मेटल जो होती है अर्थ की, उसको बोलते हैं एस्थनोस्फीयर, और एस्थनोस्फीयर का ही के ही डिविजन्स, उसकी अंदर डिविजन्स हो जाते हैं, जो मेटल के अंदर जो मोल्टन मैग्मा उसके ऊपर वो डिवाइडेड पार्ट्स हैं, इनके वो प्लेट की फॉर्म में मूव करते हैं, जिन्हें प्लेट्स बोलते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्लेट टेक्टोनिक। इन 1967 मैकेंजी एंड पार्कर केम अप विद दिस आइडिया। जो मैकेंजी थे और पार्कर थे, उन्होंने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया, वो इस आइडिया के साथ जो है इस आइडियाज के साथ आए। ओके, अब सेकंड इज टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव इरेगुलरली शेप्ड रॉक। मैसिव है, इरेगुलर है, ऐसी नहीं है एक बार जैसे शेप में टूट गई है वैसी ही रहेंगी, उनकी शेप चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक लिथोस्फीयर। जो हमारी प्लेट्स हैं वो ओशियनिक भी हैं और कॉन्टिनेंटल भी। अब किस बेसिस पे हम ये कहें कि ये कॉन्टिनेंटल है, ये ओशियनिक है? यस माय डियर स्टूडेंट, ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि हम किसी प्लेट को कॉन्टिनेंटल बोल रहे हैं तो किसी को ओशियनिक प्लेट बोल रहे हैं, तो ये किस बेसिस पे? ये होता है कि किसी प्लेट का मैक्सिमम पार्ट किस से कवर है, कॉन्टिनेंट से या ओशियन से, उसके बेसिस पे हम इसको कॉन्टिनेंट प्लेट या ओशियनिक प्लेट के रूप में डिवाइड करते हैं। इस क्लियर? देन नेक्स्ट इज फ्लोट्स ऑन द एस्थनोस्फीयर। यस माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, एस्थनोस्फीयर जो होती है, जो हमारी मेटल लेयर है अर्थ के अंदर, उसके अंदर जो मोल्टन मैग्मा है उसके ऊपर जो तैरती हुई लेयर होती है एस्थनोस्फीयर, उसके अंदर डिवीजन है। ये क्या कर रही है, फ्लोट्स ऑन एस्थनोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स। फ्लोट्स ऑन एस्थनोस्फीयर यानी कि जो एस्थनोस्फीयर है अर्थ के ऊपर जो सरफेस है, क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है एस्थनोस्फीयर, उसके ऊपर ये फ्लोट कर रहे हैं क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। थिकनेस रेंज वेरीज फ्रॉम, और जो थिकनेस है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की, ओशियनिक प्लेट्स की, वो वेरी करती है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो ज़्यादा थिक होती है एज कम्पेयर ओशियनिक की, क्योंकि जो हमारी कॉन्टिनेंटल होती है वो ओल्डर होती है एज कम्पेयर ओशियनिक प्लेट्स की। ये कहा गया है कि कहा जाता है कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो भारी होती हैं, उनके का जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो ओशियनिक जो है वो कितनी थिक होती हैं, 5 to 100 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल जो है 200 किलोमीटर तक थिक होती हैं। मे बी रेफर्ड टू एज अ कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक डिपेंडिंग ऑन विच ऑक्यूपाइज द लार्जर पोर्शन। और इसी बेसिस पे कि कौन सा किसका किस प्लेट में किसका
पोर्शन ज़्यादा है कॉन्टिनेंट का या ओशियन का, उसी बेसिस पे इनको नाम रेफर किए जाते हैं, उनका उनको ओशियनिक या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहा जाता है। इट्स क्लियर। देन नेक्स्ट इज प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट, दीज प्लेट कॉन्स्टेंटली मूव, लगातार मूविंग फॉर्म में है। कॉन्टिनेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द प्लेट, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या हैं, पार्ट हैं प्लेट्स के। फर्स्ट, वन टू टू इंच पर ईयर, जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मूव करते हैं, कितने मूव करते हैं, 1 to 2 inch, यानी कि 1 inch से लेकर 2 inch तक एक साल के अंदर इनकी मूवमेंट को मेजर किया जा सकता है। देर आर 3 types ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, यहाँ पर हम किस वजह से ये जो है मूविंग में है, क्यों मूव करती हैं, क्या रीजन रहते हैं, इसके पीछे कौन सी फोर्स वर्क करती है, उसके लिए यहाँ पर हम 3 तरह की बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या कौन कौन सी बाउंड्रीज होती हैं, किनका क्या इफेक्ट रहता है। फर्स्ट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री जो होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के लिए जस्ट 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वो किस तरह से वर्क करती है। लाइक दिस इज प्लेट्स, ए प्लेट इज बी प्लेट, ये हमारी ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। अब ये ए और बी जब दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है, यहाँ से एक दोनों दूसरे की तरफ आती हैं, तो ये क्या होंगी, कन्वर्जेंट, जो अपने एक दूसरे को अपनी तरफ कन्वर्ट कर रही है, कन्वर्जेंट फॉर्म में है। तो ये क्या है, हमारी दो प्लेट, सेकंड फॉर्म है ये कन्वर्जेंट। फर्स्ट इज डाइवर्जेंट, ये ए है, ये बी है, और ये इसको धकेलती है, ये इधर पुश करती है, यानी कि दोनों एक दूसरे को पुश करती हैं और अलग अलग हो जाती हैं, इज फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। और थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, जब बाउंड्रीज लाइक ए और बी, ठीक है, ए और बी जो है वो किस तरह से वर्क करेगी यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, ए ये हमारी ए है और ये बी प्लेट है, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी, इस क्लियर, अगर ये इधर जाएंगी तो ए बी दोनों एक साथ पैरेलल होके चलेंगी, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होगी। दूसरी चीज, अगर ये इधर जाएंगी तो भी दोनों सेम जाएंगी, ये हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म, थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इज क्लियर। तो ये 3 तरह की बाउंड्रीज होती हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की, जो वर्क करती हैं डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इनकी वजह से क्या होती है, प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती है, क्या होती है, मूवमेंट होती है प्लेट्स के, इज क्लियर। नाउ सम मेजर प्लेट्स, अगर हम बात करें तो मेजर प्लेट्स की, तो जो हमारी अर्थ की मेजर प्लेट्स हैं, 7 main plates में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज अंटार्कटिक एंड सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट, सेकंड इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड इज साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ इज पैसिफिक प्लेट, फिफ्थ इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, एंड सिक्स्थ इज अफ्रीकन प्लेट, सेवन्थ इज यूरेशियन प्लेट। ये 7 major plates हैं जो मेन हैं, जो साइज में लार्ज हैं, जिनको मेजर की फॉर्म में काउंट किया जा सकता है। और सम जो हैं हमारी माइनर प्लेट्स हैं, लाइक सम माइनर प्लेट्स, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट और कराओलाइन प्लेट और फूजी प्लेट। ये क्या है, हमारी माइनर प्लेट है, यानी कि जो लार्ज नहीं है, छोटी छोटी प्लेट्स हैं, क्योंकि कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ जब टूटती है तो ज़रूरी नहीं कि उसके बड़े ही पीसीज हों, कुछ स्मॉल पीसीज भी होते हैं। उसी तरह से जब हमारा कॉन्टिनेंटल मास, जो हमारा एक मास कॉन्टिनेंट था, जब वो ब्रेक होता है तो उसके में कुछ माइनर पीसीज भी रह जाते हैं, जिसको माइनर प्लेट्स में काउंट किया गया। इस क्लियर, लुक हियर,
प्लेट टेक्टोनिक्स, यहाँ पर आप मेजर और माइनर्स को चेक कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी बुक में भी गिवन है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद डाइवर्जेंट बाउंड्री, यहाँ मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ लेकिन आप यहाँ डायग्राम से फिर से इसको चेक आउट कर सकते हो, ये डायग्राम से ज़्यादा बेटर से समझ आएगा, आप डायग्राम को देखें जस्ट वन मिनट, यहाँ देखें, इसलिए ये बाउंड्रीज हैं, ये दो प्लेट हैं, ओके, ये जो प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक, आप ये कह सकते हो दो प्लेट हैं हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसमें एक ये वाली प्लेट है और एक ये वाली प्लेट है। अब ये प्लेट दोनों क्या करती है, डाइवर्ट करती है, एक दूसरे को पीछे धकेलती हैं, तो यहाँ से जो बीच में नीचे जो इसके मेल्टन मैग्मा है जिसपे फ्लोट कर रही थी, फ्लोटिंग वे में थी, वहाँ से मोल्टन मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और एक न्यू फीचर्स, एक न्यू फॉर्म प्रिपेयर करता है और ये बनता है हमारा क्या, यहाँ से न्यू फीचर बन जाती हैं, एक तरह से आप ये कहो कि रिलीफ फीचर प्रिपेयर हो जाते हैं, इट्स क्लियर। तो यहाँ से इस तरह से इनमें क्या हुआ, ये फोर्स वर्क करता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का, बाउंड्रीज के अंदर डाइवर्जेंट जो फोर्स है वो वर्क करता है कि उनकी मूविंग हो रही है, इट्स क्लियर। देन नेक्स्ट, इसको आप अगर चाहो तो एक बार एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। फर्स्ट यहाँ से देखते हैं, न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक तो क्या है नया क्रस्ट बनता रहता है और एक दूसरे को पुल करती रहती हैं, द साइट वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड स्प्रेडिंग साइट, और जहाँ से एक दूसरे को मूव करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, वहाँ से ये क्या कहलाएगा, स्प्रेडिंग साइट, यानी कि वहाँ से वो बढ़ जाएगी, और कॉन्टिनेंट रिफ्ट वैली बनेंगी, ओशियन के अंदर क्या बनेंगे, मिड ओशियनिक रिड्स बनेंगी, यानी कि जो मोल्टन मैग्मा है वो निकल के बाहर आएगा तो उसके अंदर ओशियंस के अंदर क्या बनेंगी, स्मॉल माउंटेन्स बन जाएंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, ओशियन रिज, और ओशियन रिज बनेंगी, उसके बाद मिड अटलांटिक रिज बनेंगी और आर्टिकन रिफ्ट वैली, ये क्या बनी, ये किससे बनी है, ये हमारी किस चीज़ की एग्जांपल है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की एग्जांपल है, डाइवर्जेंट जो बाउंड्री है उसकी वजह से ये फॉर्म प्रिपेयर होती है। सेकंड इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वर्जेंट बाउंड्री को, कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या हुआ कि वो एक दूसरे के पैरेलल थी, पैरेलल जब जाती हैं तो क्या होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, और ऊपर आके अब जो प्लेट भारी होगी, मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं वो हमारी हैवी होती हैं एज कंपेयर ओशियनिक प्लेट के, तो जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ओशियनिक प्लेट के नीचे दबती चली जाएगी, इज क्लियर। नाउ एक्सप्लेनेशन इज, वेयर इज क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्स अंडर अदर, एक जो है दूसरे के अंदर घुस जाती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है या उसको एक तरह से वहाँ से ख़त्म कर देती है। द लोकेशन वेयर इज ओकर, जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं उसको क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन, ठीक है। उसके बाद थ्री वे हैं इसके, तीन तरीके से वर्क होता है, बिटवीन एन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में भी हो सकता है, बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, टू कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में भी हो सकता है, बिटवीन टू ओशियनिक प्लेट, टू ओशियनिक प्लेट के बीच में भी इस तरह का फोर्स बन सकता है और उससे न्यू फॉर्म हो सकती हैं। क्या था ये हमारा, ये था कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, ठीक है। वहाँ क्या था, सेकंड में वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं और खींचेंगी तो जो हैवी होगी वो ऊपर रह जाएगी, जो लाइट वेट होगी वो क्या होगी, सॉरी जो हैवी होगी वो नीचे चली जाएगी, जो लाइट वेट होगी वो उसके ऊपर जो है एक तरह से मूव कर जाएगी। नाउ थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब ये ट्रांसफॉर्मिंग में होंगी यानी कि एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, या तो सेम डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले, लेकिन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती, एक दूसरे से को जो है ये कह सकते हैं कि किसी तरह का नुकसान नहीं करती, लेकिन जब वो उस पास से भी गुजरेंगी तो एक फोर्स वर्क करेगा कि उसके अंदर क्या है, एक पावर जनरेट होगी जिसकी वजह से उनमें मूविंग जो प्लेट्स हैं वो मूविंग फॉर्म में आ जाएंगी। अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ओकर्स वेयर टू प्लेट्स ग्राइड पास्ट ईच अदर विदाउट डिस्ट्रॉइंग और
रिप्रोड्यूसिंग लिथोस्फीयर, ना तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है, ना ये रिप्रोड्यूस करती है लिथोस्फीयर को, यानी कि ना तो लिथोस्फीयर बनाती है नया और ना ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है, और एक दूसरे के साथ साथ या तो एक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर जाती हैं। ये होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अर्थक्वेक और अर्थक्वेक समटाइम ओकर नियर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, ये तो होता ही है जब भी पास से। अब आप सिमिलर सा एक एग्जांपल देखो, अगर जनरली हम रोड पे खड़े हैं, दो व्हीकल साथ हैवी व्हीकल एकदम से स्पीड से हमारे पास से गुजर गए, तो क्या होता है, एकदम से हमें फील होता है जैसे जो रोड है वहाँ पर एक वाइब्रेशन फील होती है। सेम ऐसा ही जब दो प्लेट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्म में होती हैं तो वहाँ पर अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अर्थक्वेक को फील किया जा सकता है। इज क्लियर? ओके, इज क्लियर। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट की मूवमेंट को देख लेते हैं कि किस तरह से इंडियन प्लेट की मूवमेंट होती है। द इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। ये किस किस को इंक्लूड करती है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन और इंडिया, दो चीज़ दो उनको कवर करती है। कौन सी प्लेट? इंडियन प्लेट। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आता है। इसके बाद इंडिया वॉज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर इंडिया जो है एक लार्ज आइलैंड की तरह सिचुएटेड है। इंडिया इज सराउंडेड टू हैव स्टार्टेड हर जर्नी सम 200 मिलियन ईयर्स एगो। MYA मीन्स मिलियन ईयर्स एगो। जो इंडिया सोच के कर सकते हैं कि इंडिया की जो जर्नी है वो 200 मिलियन ईयर्स एगो जो है शुरू हुई है। इंडिया कोलाइड विद एशिया अबाउट 40-50 मिलियन ईयर्स एगो कॉजिंग रैपिड अपलिफ्टमेंट टू लैंड हिमालयस। यहाँ पर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि 40-50 मिलियन ईयर्स एगो जो है इंडियन जो प्लेट है वो एशिया के साथ कोलाइड कर पाई है, और उसका रीजन क्या है कि जो हिमालय है हिमालय जो है वो रेगुलर क्या हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है। आपने पढ़ा है कि हिमालय जो है यंग फोल्ड है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे 40-50 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये अपलिफ्ट जब शुरू हुए थे उसके बाद एशिया और इंडियन प्लेट में कोलाइड हो पाया। यहाँ पर आप एक टेबल दी है उसको देख सकते हो, टाइप और मेजर दिए हैं किस तरह का है, अप्रोक्स एरिया कितना है। यहाँ पर अप्रोक्स एरिया है 1,19,00,000 स्क्वेयर किलोमीटर। इस क्लियर? मूवमेंट है नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है इंडियन प्लेट। स्पीड क्या है इसकी, 26-36 mm पर ईयर। और फीचर्स क्या हैं, हिमालयाज और इंडियन ओशियन। उसके साथ क्या क्या जो है मूव, किसकी वजह से मूव हो रहा है, ऊपर से हिमालय जो है हिमालयस उसकी वजह से बना है, और इंडियन ओशियन जो उसका फ्लोर है वो बढ़ रहा है। इस क्लियर? ये था इंडियन प्लेट। अब है मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, कभी हम अगर आप अपनी NCERT में देखोगे तो NCERT में एक पिक्चर दी हुई है इंडिया के मैप की, जिसमें क्या है नीचे जो हमारा इक्वेटर था, इक्वेटर से भी नीचे पार्ट था कभी इंडिया वाला पार्ट जो इंडियन प्लेट, वो धीरे धीरे मूव करके अब कहाँ चली गई है, नॉर्थ में चली गई है। वही चीज़ ये यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट वन मिनट, आप यहाँ देख सकते हो ये। सो आई थिंक ऑल आर क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स टू ऑल, हैव अ गुड डे।